नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक मध्यकालीन इतिहास पूरा का पूरा कवर करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम में मध्यकालीन इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और 2 से 3 नंबर आपने क्लियर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन बी, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ताजमहल। अगला है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? तो ये बनाई थी ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन आपका बनता है गाइस, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इल्तुतमिश। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए इनमें से किनके बीच लड़ाई हुई? तो ऑप्शन सी, राजा राम और संभाजी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो अलाउद्दीन की बाजार नीति के बारे में जो कथन है ये तीनों दोनों सही हैं। पहला कथन है, दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए उसने बाजार को सहना नामक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा। दूसरा है, सस्ते खाद्यान्न की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि दोआब क्षेत्र से भू राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाए। अगला है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके गाइस, 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से आपका एक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ और क्या थे? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी थे, मतलब सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान थे और इतिहासकार भी थे। अगला है, सुमेलित करना है, सूची 1 में देखिए संस्थापक हैं और सूची 2 में संप्रदाय है और कोट के माध्यम से मिलान करना है। तो पहला हो जाएगा आपका ए वाला, देखिए पहला है, संस्थापक है शंकर देव, इन्होंने की थी 4th से एक शरण धर्म की स्थापना। और जग जीवन की किसने, जग जीवन जो थे उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो ये हो जाएगा सतनामी। फिर लाल गिन या लाल बेग, इन्होंने की थी अलकनामी। फिर हैं गोविंद प्रभु, इन्होंने की थी महानुभाव पंथ। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन बनता है आपका गाइस, सूफियों की भाषा में जियारत क्या था? तो ऑप्शन ए, सूफी संतों के मकबरों की बरकत या कह सकते हैं आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए जो तीर्थ यात्रा थी उसको जियारत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जप्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? ऑप्शन बी, 1/3। अगला क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? तो रामायण का अनुवाद फारसी में किया बदायूनी ने। शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? ऑप्शन सी, कालिंजर। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन बहमन शाह या जफर खां। अगला है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो ऑप्शन बी, बीरबल ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ऑप्शन ए,
अल्तमस या इल्तुतमिस की। सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए मिस्ल कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन सी अरब। अगला है, टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऑप्शन ए शेरशाह सूरी के द्वारा। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? ऑप्शन ए पेशवा कहते थे। मुगल शासकों की दरबारी या कह सकते हैं अदालती भाषा क्या थी? तो ऑप्शन सी फारसी। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन बी महमूद गवा। गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जोगी कहा जाता था। अगला है, कामंदक के नीतिसार का योगदान किस विषय में है? तो ऑप्शन सी राजनीतिक नैतिकता। अगला है, हजारा राम मंदिर किस राज्य में था? तो ऑप्शन सी विजयनगर। राम मंदिर किस राज्य में था अभी बताया था, ऑप्शन सी विजयनगर। अगला है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो ऑप्शन सी कल्याणदास। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी ईस्वी में। चौथ क्या था? तो चौथ जो था ऑप्शन डी पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लाया गया भूमि कर था। अगला है, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के समूह या कह सकते हैं चिहाल गानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो ऑप्शन सी बलवन। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो ऑप्शन डी कन्नौज। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो अनंगपाल। भास्कर का लीलावती किस विषय का मानक मूल ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए गणित या कह सकते हैं मैथ्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सृजित नहीं थी? तो बाबरनामा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं था? तो ऑप्शन बी निपुण मूर्तिकार। वर्ष 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो ऑप्शन सी किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी इसमें। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो ऑप्शन बी संत ज्ञानेश्वर। निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन ए राणा कुंभा। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो असमिया। अगला है, सूची एक को सूची टू से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। सूची एक में समाज सुधारक हैं, सूची टू में संस्था है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऑप्शन सी। पहला देखिए, समाज सुधारक हैं अयोध्या दास, इनका संबंध हो जाएगा चौथे से। द्रविड़ महाजन सभा, फिर है ज्योतिबा फुले, इनका हो जाएगा पहला सत्यशोधक समाज। फिर है जॉन रतिनम, इनका हो जाएगा द्रविड़ कड़गम। फिर है ई बी रामास्वामी, इनका हो जाएगा तीसरे से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कबीर की शिक्षाओं के विषय में सही नहीं है?
तो ऑप्शन ए, वे तीर्थाटन और मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं थे, ये सही नहीं है। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि वे सर्वव्यापी प्रेम में विश्वास करते थे, उन्होंने एक ही ईश्वर और भक्तिवाद के प्रसार पर जोर दिया, और उन्होंने सामान्य गृहस्थ जीवन का परित्याग आवश्यक नहीं समझा। अगला है, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, गोल गुंबज। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो ऑप्शन सी, बाबर था, बाबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी है? तो ऑप्शन सी, हुमायूं नामा। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो ऑप्शन बी, बैरम खां। दीन ए इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। जहांगीर का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी, विश्व विजेता। अगला है, एना लैक्टस पवित्र ग्रंथ है? तो ऑप्शन सी, कन्फ्यूशियस बाद या कन्फ्यूशियन धर्म का। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। भारत की पहली प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो ऑप्शन बी, सुल्तान रजिया। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? तो ऑप्शन सी, रामतनु पांडे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो ऑप्शन सी, अकबर। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन ए, आगरा। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो ऑप्शन सी, सेना संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह के सैन्य सुधारों का अंग नहीं बना? तो ऑप्शन बी, द्रुतगामी तोपखानों की शुरुआत। अगला है, कल्लहड़ कृत राज तरंगड़ी में किसका इतिहास वर्णित है? तो कश्मीर का। अगला है, मूल्यवान रत्नों में गुप्त काल के समय सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस रत्न का होता था? तो ऑप्शन सी, मोती। महमूद गजनबी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? तो ऑप्शन सी, सोमनाथ। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? तो ऑप्शन ए, कर्नल कालिन मैंकेजी। निम्नलिखित में कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है अश्वघोष, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है वसुमित्र। सूर सागर क्या है? तो सूरदास की काव्य रचना है। अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था? तो ऑप्शन सी, इबादत खाना। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ऑप्शन डी, कनिष्क। शाह सुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो ऑप्शन डी, दारा सिको। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो ऑप्शन बी, हम्पी। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। विजयनगर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। अगला है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया? तो ऑप्शन सी, तमिल को, तेलुगु और संस्कृत को। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ऑप्शन सी, बाबर का। क्वेश्चन गाइस बनता है,
मनी एरो का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक को। सल्तनत काल में जवाबित क्या था? तो राज्य कानून। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। अगला है महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो ऑप्शन बी तुकाराम। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन ए नसीरुद्दीन। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी बहलोल लोदी। अगला है आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1565 ईस्वी। रणथंभौर क्या था? तो ऑप्शन बी एक राजपूत दुर्ग। राजपूत दुर्ग। पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम था? तो ऑप्शन सी ट्रैबनियर। अगला क्वेश्चन बनता है आपका कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो ऑप्शन सी तुलुबा। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था? तो ऑप्शन सी मीराबाई। श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारिका और पुरी में चार मठ स्थापित किए गए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य द्वारा। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो देवगिरी। निम्न में से कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो ऑप्शन डी पुर्तगाल। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो ऑप्शन सी बलबन। अगला है चहलगामी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो बलबन। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो ऑप्शन बी तालीकोटा युद्ध। अगला है काला बाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये वाला कुत्तों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिए जाएं, ये नहीं दिया गया था। बाकी के तीन दिए गए थे भू राजस्व जिन्स में लिया जाए, किसान अपनी कटी हुई फसल को खेत में ही बेचे और व्यापारी सभी वस्तुएं खुले में बेचें। गोल गुंबद क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। अगला है चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो अरब। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? इसका आंसर गाइस आपको नीचे कमेंट करके बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं।
दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसके आंसर आपको बताने हैं। अगला है, आज का लास्ट क्वेश्चन बनता है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला सुल्तान कौन था, पहला सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।